और देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास की राह खुलने जा रही है। केंद्र पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन सीमावर्ती इलाकों में विकास के लिए 4,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए आधारभूत अवसंरचना ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सरकार 4,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। फरवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए केंद्र पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। प्रोग्राम के तहत सभी मौसमों के अनुकूल सड़क, पेयजल, 24 घंटे सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति को स्थापित किया जाएगा। मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुउद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर के विकास पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गांवों के विकास के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2,500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 4 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लॉकों में रहने वाले लोगों के लिए आजीविका और गुणवत्तापूर्ण जीवन के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इससे समावेशी विकास हासिल करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों में स्थानीय प्राकृतिक और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना तथा सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य इन इलाकों में विकास केंद्र विकसित करना, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को प्रोत्साहन देकर पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एनजीओ के माध्यम से एक गांव एक उत्पाद की अवधारणा पर स्थायी इको एग्री बिजनेस के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़।